आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। भारत नेपाल सीमा के जनपद बहराइच के रूपीडीहा में 220 करोड़ की लागत से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का आज भारत एवं नेपाल दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक साथ मिलकर उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने संयुक्त रूप से रिमोट का बटन दबाकर इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया। उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा चेक पोस्ट है जहां से बड़े मालवाहक वाहन बिना किसी रुकावट के दोनों देशों को आ जा सकेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज महिला पहलवानों के समर्थन में सम्मान में बिजनौर जनपद के किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जनपद की सभी मुख्यालयों पर आज किसानों द्वारा प्रदर्शन कर ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की गई है। जिसमें कहा गया था कि भाई वहाँ जाके डीएम महोदय के लिए पहली बार ज्ञापन दिया जाएगा ब्रजभूषण जी की गिरफ्तारी के लिए। ब्रजभूषण जो है वो अपने आप में बहुत मतलब बाहुबली के तौर पे काम कर रहा है इस समय, और किसान और नौजवान और पहलवान इनके तीनों की गठजोड़ अब की बार साथ आ रहा है। गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या लगता है? गिरफ्तारी नहीं होगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पे आए थे। संयुक्त किसान मोर्चा जो आज सोरम में पंचायत चल रही है उसके ऊपर जो भी निर्णय होगा उसका आदेश का पालन करा जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी किया है, जहां आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केंद्र सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश खन्ना ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 1000 साल में इस देश का प्राइड बढ़ाया और देश तेजी से विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। 2019 की रैंकिंग में अभूतपूर्व उछाल आया और इसमें 63वें स्तर पर हम पहुंच गए। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश ने बेस पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। हम पहले 12वें स्थान पर थे, अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर। जहां तक कृषि क्षेत्र से संबंधित, उस पर भी हम खास तौर से फोकस करना चाहेंगे। लोग पूछते हैं कि किसान की आमदनी के बारे में बात करते हैं। आप देखिए कि मोदी सरकार जिसके आने के बाद प्रति क्विंटल गेहूं को 775 रुपए और चावल 720 रुपए एमएसपी बढ़ी। एमएसपी से ही हम एमएसपी के माध्यम से लोगों की फसल को खरीदते हैं, और ये अपने आप में कितना बड़ा उछाल है कि जो हम आज किसानों को दे रहे हैं 775 रुपए गेहूं पर और 730 रुपए एमएसपी चावल पर हमने बढ़ाया। 18-19 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 रुपए है, जबकि इसके पहले किसानों की कमाई और खर्च 12-13 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सामने आया था किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए। राइट टू फूड पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। राइट टू इंफॉर्मेशन पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। राइट टू जस्टिस भी आज अगर लोगों को मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मिल रहा है। आप सोचिए, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका में जाकर के एक राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, और कर्नाटक में आप जीत रहे हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है, हिमाचल में आप जीत रहे हैं, ये कौन से लोकतंत्र? आप नरेंद्र मोदी जी को जितना कोसना हो कोस लीजिए विपक्ष के लोगों, लेकिन कम से कम अपने देश को तो मत कोसो, देश के मान को तो मत घटाओ। मोदी जी जाते हैं भारत का मान बढ़ा के आते हैं, पीछे पीछे पहुंच के सारा गुड़ गोबर करने लगते हैं, तो देश देख रहा है, एक दिन जवाब दे। आगरा में जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि पहलवानों के समर्थन में किसानों ने प्रदर्शन किया।
बताते चले कि राष्ट्रपति के नाम पर जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। इसको लेकर सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद 5 दिन में पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर किसान प्रदर्शन करेंगे। सांसद द्वारा उसका यौन शोषण जो राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ किया गया, इसको धरना प्रदर्शन पर हमारी जो बहन बेटियां बैठी हुई जंतर मंतर पर, जहां देश की जो संसद का जो उद्घाटन हो रहा था मात्र 100 मीटर की दूरी पर बैठी हुई उनको किस स्तर से उन्हें खदेड़ा गया, उनको पकड़ करके बाहर खींच दिया गया और जंतर मंतर से हटा दिया गया। इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है। हम लोग आज के जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आए हैं। अमरोहा में नगर पालिका परिषद में आज डीएम बीके त्रिपाठी की मौजूदगी में पीएम स्वनिधि योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज इस योजना का लाभ कमाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डीएम बीके त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषि पाल नागर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शशि जैन के अलावा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार, अन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर बनाए जाने की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2020 में शुरू किया था। इसी क्रम में जो लाभार्थी हमारे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया गया है और आप जानते हैं कि प्रदेश में जनपद ने अच्छा काम किया है और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रथम स्थान प्राप्त करें, हमारे तैयारी लगे हुए हैं। चंदौली में नसरुद्दीन शाह के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का पलटवार सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन शाह आमिर खान, शाहरुख खान की पत्नियां हिंदू हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती तो अराजकता कहाँ है। नसरुद्दीन शाह जैसे लोग ही देश में बयान देकर अराजकता फैला रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि अखिलेश यादव के राज में मथुरा में जीएस की जमीन कब्जा कर पैरल कर सरकार चलाया जा रहा था। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया, साथ ही अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र वितरित बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि योजना गाँव में शहरों में पटरी पर दुकान चलाने वाले लोगों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के इस समारोह में उपस्थित हूँ। पूरे देश में यह योजना गांव में, कस्बों में पटरी पर दुकान चलाने वाले छोटे दुकानदारों को, ठेला लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले लोगों के दुकानदारों के समृद्धि के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा आधार बनेगा और यहीं से होकर, इसी रास्ते से होकर आत्मनिर्भर भारत का रास्ता निकलेगा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस को मुखबिर की खास सूचना पर बताया गया कि एक युवक जिसके पास एक पिस्टल है, जो कि किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में बेसमेंट के अंदर छिपा हुआ है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही वो तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को और उसके पास अवैध पिस्टल को अपने कब्जे में लेकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि युवक किसी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में था। आइए क्या कुछ एसपी ने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मॉल के पास चेकिंग कर रहे थे, उसी समय मुखबिर खास से उनको पता चला कि एक व्यक्ति जो कि बेसमेंट में छुपा हुआ है, उसके पास एक नाजायज असलहा है और वो उस असलहे से कोई घटना कारित करने के लिए आमादा है। तत्काल मौके पर पहुंच के मुखबिर द्वारा किए गए इशारे के बाद उपयुक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। थाने ले आकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से 1.32 बोर की नाजायज पिस्टल बरामद हुई और साथ में पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम लव पंडित बताया, जो कि कड़कड़डुमा मेट्रो पिलर नंबर 12 दिल्ली का निवासी है। और गाजियाबाद की ट्रांस हिंडन पुलिस ने अब इस्पा के बाद होटलों में चल रहे कैसीनो पर बड़ी कार्रवाई कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि ग्राहकों को शराब परोसा जा रहा था और ग्राहक अपने जुए के खेल में मस्त थे, तभी अचानक पुलिस ने छापेमारी कर 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना इंदिरापुरम पुलिस को द्वारा मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि वसुंधरा स्थित ग्रांड वैली होटल में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेलने का कार्य किया जा रहा है। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस ने इंस्पेक्टर इंदिरापुरम के नेतृत्व में वहां पे छापेमारी की गई। उस छापेमारी के दौरान हम लोगों को वहां पे कुल 13 अभियुक्त और 2 अभियुक्ताएं जुआ खेलते हुए पकड़े गए। इन लोगों के जब थाने ले आकर इनसे पूछताछ की गई तो यह बताया गया इन लोगों द्वारा कि जो होटल के मालिक हैं विशाल तेवतिया उर्फ मोनू, इनके ही नेतृत्व में जुआ खेलने का कार्य कराया जा रहा था। इसके साथ साथ हमें वहां पे कुल लगभग 88,000 रुपए कैश, क्वाइन खेलने वाले जुआ खेलने वाले क्वाइन और क्वाइन स्टैंड, उसके साथ साथ लगभग 20 से 21 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। खबर गोंडा से है, जहां आज नंदिनी नगर महाविद्यालय में बीजेपी से कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा कि कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, दिल्ली पुलिस की जांच में जो होगा उसके लिए तैयार हूं, जो सजा कोर्ट और दिल्ली पुलिस देगी उसके लिए उपस्थित हूँ। धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था, गोंडा में डीएम ने किशुनदासपुर से मैनपुर चौराहा से संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता व समय बाध्यता पर कड़ी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने किशुनदासपुर से मैनपुर चौराहा को जाने वाली संपर्क मार्ग चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण तक का निरीक्षण किया। बता दें कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता व अन्य का जायजा लिया। वही निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मार्ग को कटवा कर एवं उसकी चौड़ाई को नपवा कर जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के समय गुणवत्ता एवं समय का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि सड़क निर्माण में मटेरियल गुणवत्ता पूर्ण रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा रोड निर्माण में मटेरियल और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। हरदोई में शाहबाद इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां महिला से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला से चार लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो बनाकर कार सवार युवकों ने वायरल किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट का है, लगभग लग रहा है कि रात की घटना है और अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि शाहबाद में कहीं की है। इसकी जांच की जा रही है और जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर इसमें आवश्यक अपराध नियंत्रण की दिशा में कासगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि पुलिस ने 6 अंतरजनपदीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने भारी संख्या में मोटरसाइकिलों के अन्य पुर्जे बरामद किए हैं। 4 अभियुक्त उन तत्काल गिरफ्तार हुए थे, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल उस समय बरामद की गई थी। फिर पूछताछ के दौरान जो जानकारी आई कि इनके द्वारा वाहन चोरी करते हुए पड़ोसी जनपद के जो कबाड़ी हैं उनके यहाँ उसको भेजा जाता रहा। कुल मिलाकर के 7 मोटरसाइकिल और 10 कटी हुई मोटरसाइकिल उसके अलावा। लखनऊ की मलिन बस्तियों में पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन के अफसर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पहचान करने निकले पड़े हैं। कड़ाके की धूप में लखनऊ के हजरतगंज स्थित डालीबाग इलाके की मलिन बस्ती में पुलिस फोर्स के साथ अफसर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों के आधार कार्ड चेक करते दिखे। यही नहीं, प्रत्येक झोपड़ी में रहने वाले लोगों के आधार और पहचान पत्र के सत्यापन के साथ उनसे ये भी पूछ रहे थे कि वो कब से और किस आधार पर रह रहे हैं।
बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, तो उनको जब आवास योजना चल रही है तो सबके लिए योजना है वो, तो सबको आवास योजना मिलना चाहिए। अगर आवास योजना बंद रही तो उनको ही मिलनी चाहिए, और इसमें अगर इनके पास आधार कार्ड पूरा सही है, ठीक है, अगर उनको आधार कार्ड सही है, अगर आधार कार्ड उनका सही है तो और सारी सिग्नल भी सही है तो हम उसकी जांच कर रहे हैं, और अगर हमारे गाइडलाइन के अगर उन्हें वो पात्र हैं तो उनका प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाएगा। क्या ये भी देखा जा रहा है कि रोहिया के मुसलमान ये बंद यहाँ पर छुपे तुमको देखा जा रहा है? कुछ चीज़ की जाँच हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग को जाँच मिली जो प्रधानमंत्री आवास करने मिला है वो हमने जाँच कर रहा है। लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए चोरी व स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस अफसरों के मुताबिक बीते कई समय दिन से गोमती नगर इलाकों से वाहन चोरी और स्नैचिंग की कई घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। गोमती नगर पुलिस और डीसीपी की क्राइम टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की 5 मोटरसाइकिल व 3 मोबाइल बरामद किए हैं। किस तरीके का अपराध ये लोग करते थे, कहाँ कहाँ संलिप्त थे? ये अधिकांश वाहन चोरी करते थे और उन्हीं वाहनों का प्रयोग करके बाकी स्नैचिंग जैसे मोबाइल और चैन स्नैचिंग वगैरह के अपराध कार्य करते थे। क्या क्या बरामद हुई है इनके पास से? 5 बाइक और 2 मोबाइल, अभी 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। कौन लोग हैं मैम ये लोग, कहाँ रहते थे, किस तरीके से? इनमें से 3 लोग, 5 लोगों में से 3 लोग गोमती नगर विस्तार के रहने वाले हैं और 1 महानगर का रहने वाला है और 1 गोमती नगर का रहने वाला है, बाकी 2 बालक जा रही है। इन्हीं लोगों को आकर्षित करती है, कुछ ज़रूरतें होती है, ज़रूरतें जब बढ़ जाती तो विलासिता में आ जाती है, महंगे मोबाइल का शौक, नशे की आदत, इन सब चीज़ों के कारण सही रास्ते से जीविका उपार्जन करने के स्थान पे इस तरह के अपराध में लोग आ जा रहे हैं। ये समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। लेकिन शुद्ध अपराध की बात करें तो ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते थे, फिर उन्हीं चोरी की गई मोटरसाइकिलों का उपयोग करके। उन्नाव में यूएमसी नर्सिंग होम में नवजात मौत का मामला सामने आया। बता दें कि मेडिकल सेंट्रल नर्सिंग होम में कल इलाज के दौरान नवजात की मौत पर देर रात परिजनों ने सड़क जाम कर लिया था। वहीं मेडिकल सेंटर के प्रबंधक डॉक्टर भरत खेड़िया पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया था। वहीं मृतक नवजात के पिता की तहरीर पर यूएमसी के प्रबंधक डॉक्टर भरत खेड़िया पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई गई। दहेज लोभियों ने हाथ की मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले घर से बाहर निकाल दिया। बता दें कि नई नवेली दुल्हन को ससुराल पक्ष ने घर से बेघर कर दिया। पीड़िता को शादी के 5 दिन बाद किन्नर का आरोप लगाकर घर से बाहर किया गया है। पीड़िता ने अपर पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। पत्र जो है दिया गया है मेरे कार्यालय में, जिसमें एक महिला ने अपने ससुराली जनों पर आरोप लगाया है कि वो उनको प्रताड़ित करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। उनकी शिकायत पे अभी वो पंजीकृत करने के लिए संबंधित थाना को निर्देशित किया गया है और उसके जांच उपरांत जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना ये हुई थी कि मैं ससुराल गई पहले दिन, जैसे शाम सुबह से ही मतलब उनके माँ बाप ने मतलब दहेज मांगना शुरू कर दिया, तो मतलब पापा ने बोला कि मतलब दे देंगे, मतलब लड़की आएगी तो कर जाएंगे, तो तब भी नहीं वो माने कि मतलब। फिर दूसरे दिन उन्होंने आरोप लगाया कि तुम्हारी लड़की किन्नर है, फ़ोन लगा के कहा कि हम तुम्हारी लड़की को किन्नर को दे देंगे, तुम्हारी लड़की किन्नर है। तो माँ ने बोला कि तुम मेरी इजाज़त के बिना ऐसे कैसे दे सकते हैं। तो उन वहाँ पे कुछ महिलाओं ने मतलब नग्न करके देखा कि तुम्हारी लड़की किन्नर है, वस्त्रहीन करके चेक किया। माँ ने बोला कि ऐसा मत करना, मेरी लड़की के साथ मतलब वहाँ मेडिकल चेकअप करवा लो, फतेहाबाद आ जाओ या शमशाबाद आ जाओ। फिर भी वो नहीं माने। किन किन लोगों ने आपको निर्वस्त किया था, जो चेक किया था? सास थी, जेठानी थी। गाजियाबाद की कोतवाली थाना पुलिस ने गाड़ियों के जरिए ट्रांसपोर्ट किए जा रहे माल को लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर बीते माह हुई लूट की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। इस गैंग द्वारा माल लूटा गया, लाखों रुपए की बरामदगी की गई है। ये गैंग अपने साथ माल ढोने वाले पिकअप वाहन को लेकर
निकलता था। हाईवे पर रुकने वाले वाहनों में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। नंबर प्लेट बदल के निकलते थे और हाईवे पे और राहगीर जो भी ट्रक या गाड़ी में अपना माल खड़ा करके वहाँ पे रहते थे उनको लूट लिया करते थे। इस गैंग के 3 मेंबर्स हम लोगों ने गिरफ्तार करे जिनका नाम इमरान, फिरोज और मोहम्मदीन है। इनमें से 2 डासना मसूरी के रहने वाले हैं, 1 शाबरी नोएडा का रहने वाला है। इनका पूर्व में हत्या का प्रयास, डकैती, तमंचे और इस तरह के हीनियस ऑफेंसेस में इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं। ये पूर्व में बिजनौर, दिल्ली और हरियाणा जेल में भी जाके रह चुके हैं। इनके साथ ही इनके 3 साथी और गिरफ्तार करे गए हैं जिनका नाम दीपक शर्मा, शाहनवाज और शमशाद है। 13/14 की रात्रि को इन्होंने एक कुकर की फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक गाड़ी से लगभग 267 कुकर चोरी करे थे जो कि इन्होंने। अमरोहा में सदर क्षेत्र की नदी की जमीन पर भूमाफिया ने अवैध रूप से कब्जा कर उस पर अवैध प्लॉटिंग सजा दी थी, जिस पर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह के आदेश पर बुलडोजर चला। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलने से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। कुछ भूमाफियाओं ने नदी की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग सजा कर उसे मोटी रकम बेचने की फिराक में थे। बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह ने GCB की मदद से उसे ध्वस्त करा दिया। प्रशासन के बुलडोजर गरजने से माफियाओं में हड़कंप मच गया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दिए हैं। वर्तमान में हमने सर्वे कराया था तो अधिकांश में अवैध कब्जा किया गया है, तो इसको लेकर के टीम बना करके हम लोग इसमें कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आज जो अवैध प्लाटिंग इस पर की गई थी उसको JCB से पूरा तोड़ा गया है और बहुत बड़ा एक अभियान आज इसका एक इससे पूरा किया गया है। इसके अलावा भी हमारी जो टीमें बनाई गई हैं लगातार इसमें लगी रहेंगी और आने वाले समय में हम लोग सोत नदी को अवैध कब्जा मुक्त कराएंगे। कानपुर में बाल संरक्षण गृह से भागी नाबालिग लड़की की मौत हो गई। बता दें कि बाल संरक्षण गृह से रह रही एक नाबालिग लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उस कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसकी मौत को साजिश बताया है। हरदोई के बिलग्राम ब्लॉक में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हावी हो गया और प्रदेश सरकार के मंसूबों पर अफसर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक के कलर का धन उगाही करते वीडियो वायरल हुआ था और लगातार सरकारी पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। बताया गया कि बिलग्राम ब्लॉक कार्यालय पर रिश्वतखोरी करने वाले कलर खुद को मजबूत पकड़ वाले बताते हैं, इसी के चलते वो खुलेआम लोगों से वसूली करते वीडियो में नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के इस खेल को लेकर आम लोगों का कहना है यहां पर रिश्वतखोरी आम बात हो चुकी है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।